हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका माइसेल्फ शुभम हूँ। आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे, रिसेंट अभी मेरा 2 एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट बाइक में था। वो एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे इस बुलेट वीडियो में। और आप लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जाके प्रेस कर सकते हैं। और इसके पहले बहुत सारा वीडियो में अपलोड किया हूँ, वो वीडियो आप मिस कर रहे हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। चलो बात करते हैं मेरे एक्सीडेंट के बारे में। तब तक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, कुछ आपको आइडिया आ जाएगा, उसके बाद बात करते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया है मेरे एक्सीडेंट के बारे में, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैं उसी टाइम शायद मेरा स्पीड लगभग 60 या 50 से 60 के अंदर था। उस टाइम सडन साफ रोड में आ गया। मैं सोचा हमारा जिंदगी, मैं उसको सेव करने चक्कर में रह गया, लेकिन मैं चाहता तो उसको उसके ऊपर निकल के जा सकता था, लेकिन वो मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मुझे सडन ब्रेक मारना पड़ा। इसीलिए अपाचे में ABS नहीं है। ABS आपका ज़िंदगी में बहुत आपको सेव करता है। इसीलिए शायद वो मेरा ओल्ड बाइक है, उस टाइम ABS किसी को पता नहीं था ABS क्या होता है, लेकिन ABS के बारे में भी इस वाला वीडियो में बात करेंगे। आप जो भी बाइक इस अभी जो वीडियो देख के लेना चाहते हैं, वो लोग को रिकमेंड मैं करूँगा ABS वाला बाइक लीजिए। अभी तो 150 cc के ऊपर ABS तो कंपलसरी हो गया है, लेकिन कुछ बाइक में शायद आप लोग को सिंगल ABS भी ऑफर कर रहे हैं कंपनी। इसे पकड़ के चलो, अपाची 160 में सिंगल ABS आता है, फ्रंट वाला, बैक वाला, रेयर वाला नहीं आता है। इसलिए आता है, लेकिन वो टॉप मॉडल में आता है, ये बेस्ट मॉडल में। इसलिए आपको मैं बोलूँगा आगे और पीछे वाला दोनों ABS वाला बाइक लीजिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ऐसे 10,000 के आसपास कुछ फर्क आएगा, लेकिन 10,000 के बदले आपका ज़िंदगी आपको रिस्क में डालना नहीं चाहिए। और एक मेरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरा एक्सीडेंट में मुझे सेव करने के लिए, मेरा हेलमेट। हेलमेट नीचे वाला पोजीशन घिस गया है। शायद मेरे उस दिन हेलमेट नहीं पहना तो ये जो टोटल एरिया मेरा नहीं रहता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग हेलमेट कंपलसरी पहनिए। उस टाइम का थोड़ा सा स्लो मोशन में आप लोग वीडियो देखिए, आपको टोटल आइडिया आ जाएगा मेरा बाइक कितना स्पीड में स्कीड हुआ और मेरा हेलमेट कितना रोल प्ले करता है मुझे सेव करने के चक्कर में।
अभी भी बहुत लोग को पता नहीं है एबीएस क्या है, इसलिए अभी बात करेंगे एबीएस के बारे में। एबीएस एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं जो आप पकड़ के चलो, आपका स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहे हैं, अचानक आपके सामने कुछ आ गया जानवर, आप वहीं पर पैनिक ब्रेक जो भी अप्लाई करते हैं उसी टाइम एबीएस क्या काम करता है। एबीएस आपका व्हील को लॉक नहीं होने देता है, व्हील लॉक नहीं होने की वजह से आप वहाँ पर आराम से जाके रुक सकते हैं, या वहाँ पर आपका एबीएस नहीं होगा तो व्हील लॉक हो जाएगा, आपका बाइक ऐसे ऐसे स्किड करके आप लोग नीचे गिर सकते हैं, गिर जाएंगे आपके बाइक में दोनों डी से या फ्रंट डी से, जो 70-80 स्पीड में एवरेज में चल रहे एबीएस ऐसे ही सेव करता है। पकड़ के चलो, मेरा एबीएस होता तो कंपलसरी मैं 100% से गारंटी दे पाऊँगा आपको मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। मेरे अपाची में एबीएस नहीं है, अपाची में रेगुलर यूज करता हूँ, लोकल में मेरा एक्सीडेंट भी जो भी हुआ लोकल में हुआ, लेकिन मैं लॉन्ग राइड में मेरा दूसरे बाइक लेके जाता हूँ जावा को, उसमें दोनों एबीएस है। वो उसका ब्रेक बहुत अच्छा है, वो जो सेगमेंट है आप आ रहे हैं उसके ऊपर शायद मैं सोच रहा हूँ और एक वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, उस सेगमेंट में जो भी बाइक आ रहा है उससे बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम जावा दे रहा है, ये मैं दावा दे सकता हूँ। चलो वो टॉपिक तो और किसी दिन करेंगे, अभी आते हैं एबीएस पे। एबीएस आप जो भी बाइक ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप एबीएस के बारे में दिमाग में डालिए, मुझे एबीएस वाला बाइक लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलूँगा आप लोग एबीएस वाला बाइक लीजिए। और एबीएस के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं यूट्यूब में, बहुत बहुत लोग एबीएस के बारे में डिटेल से बना है, उनको वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, और मैं भी किसी का वीडियो लिंक के नीचे छोड़ दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं एबीएस क्या होता है क्या काम करता है, आपको डिटेल से पता चल जाएगा। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, चलो मिलते हैं। इसके बाद भी जो आएगा वो मेरा सेकंड एक्सीडेंट के वीडियो आएगा, लेकिन उस एक्सीडेंट में मेरा कुछ फॉल्ट नहीं था, आप लोग को थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा इससे गाड़ी क्यों बाय करें जो हमारा सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। चलो वो आएगा दूसरी वीडियो में, चलो अभी चलते हैं।